जल्द ही भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और नवरात्र का समय चल रहा है, लेकिन एक खास तस्वीर आपको हम मुंबई से सबसे पहले शो में दिखा देते हैं। रामलीला का मंचन आप देखें, अभी ये प्रथा मुंबई शहर में कायम रहे इसकी कोशिश, खासतौर से रामलीला ग्राउंड पर मलाड में हम मौजूद हैं रामलीला प्रचार समिति की ओर से। हर साल इसे एक अलग भव्यता देने की कोशिश होती है, इस बार एलईडी स्क्रीन भी यहाँ पर लगाया गया है। तो एक समय में रामलीला का जो मंचन है बड़ी संख्या में मुंबई शहर में भी हम देखते थे, लेकिन ये समय के साथ कम होते गए और बहुत कम समितियाँ रही जो इसका आयोजन करती रही। मलाड में करीब 44 वर्षों से रामलीला होती आई है, दर्शकों की संख्या आप देख सकते हैं अच्छी खासी यहाँ भी मौजूद है। तो रामलीला राम और रावण के बीच युद्ध को याद करती है, इसमें देवताओं ऋषियों और भक्तों के बीच संवादों की एक श्रृंखला शामिल होती है। इसमें जाति धर्म या उम्र के भेदभाव के बिना पूरी आबादी को एक साथ हम सामने आते देखते हैं और अच्छी खासी संख्या आप देखें। एक वीकडे के दिन, मंडे के दिन भी आप यहां पर देख सकते हैं। मलाड का ये इलाका है, रामलीला मैदान में इस वक्त हम मौजूद हैं और 44 वर्षों से यहां पर इसका आयोजन होता आया है। देवकी नंदन जिंदल यहां के ट्रस्टी हमारे साथ है। सर, इस बार विशेष क्या है ये बताएं। एक समय में हम देखते थे मुंबई में बड़ी संख्या में रामलीला का मंचन होता था, धीरे धीरे उसकी संख्या कम होती गई, लेकिन आपके यहां हम देखते हैं कि इसकी भव्यता और बढ़ती जा रही है। एलईडी स्क्रीन भी आप जोड़ चुके हैं। जैसा कि आपको मालूम है, रामलीला प्रचार समिति पिछले 43 सालों से लगातार इस ग्राउंड पे रामलीला का मंचन करते आ रहे हैं और यहाँ बहुत श्रद्धालु लोग आकर के ऐसे आते हैं। कल तो ऐसी पोजीशन थी कि यहाँ पे हमारे को एंट्री बंद करनी पड़ी, इतनी भयंकर भीड़ हो गई थी। और कल राम विवाह था, राम धनुष का यज्ञ हुआ था, तो इसके लिए हम पूरी प्रकार से उनको समय नहीं दे पाए थे। लेकिन अभी जो इस बार हमने यहाँ पे एलईडी स्क्रीन लगाई है, जैसा भी सीन होगा, जंगल का होगा तो जंगल आ जाएगा, महल का होगा तो महल आ जाएगा, फुलवारी का होगा तो फुलवारी का आ जाएगा। इस प्रकार का जो दृश्य देख करके यहाँ की पब्लिक बहुत विभूत हो रही है और बहुत उनको बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास कितने लोगों का फोन आ रहा है, या इस प्रकार की पहली बार मुंबई में ये आप ये किया है। हालांकि इसका बहुत लंबा बड़ा खर्चा है, लेकिन फिर भी समिति जो है, हमारे डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी हमारे ट्रस्टी बने हैं, तो इन्होंने जो है बहुत बड़ा सहयोग दे करके और इस रामलीला को सफल बनाने में हमारा बहुत बड़ा सहयोग दिया है। श्याम जी, जो सर ने बोला, राजिंदर सर ने, कि खर्च भी बहुत आता है, और चूंकि मैं भी एक संख्या बोल रही थी कि मुंबई में इसकी संख्या कम होती जा रही है, रामलीला जो प्रथा है वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि सिकुड़ता जा रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन मलाड में काफी समय से हो रहा है, तो आपका आगे आना, हाथ बटाना, इसके पीछे की ये सोच भी बताइए। और बहुत लोग आज समाज में अपने संस्कारों को देने की जितनी प्रासंगिकता है ये पहले कभी नहीं रही। देश एकजुट रहे, भारत अखंड बने, भाई भाई में जो दूरी बढ़ती जा रही है, भाई भाई का प्रेम, पति और पत्नी के संबंध, और जहां लोग कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं वहां पर भरत जैसा भाई खड़ाऊओं को रख के राम के सिंहासन को चलाता है। आज ये संस्कार पूरे समाज में पुरोहित नीचे तक भेजने की जरूरत है और उसे रामलीला प्रचार समिति पिछले 44 वर्षों से श्री देवकी नंदन जी जिंदल, जो विश्व हिंदू परिषद कोंकण प्रांत के पूर्व अध्यक्ष रहे, ये विश्व हिंदू परिषद ने उनके अंदर संस्कारों को इतनी गहराई तक पहुंचाया है कि वो अपना तन मन धन सब निछावर करके पूरे समाज को एक सूत्र में पिरोकर मेरा हिंदू समाज एकत्र रहना चाहिए, मेरा भारत अखंड रहना चाहिए, गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, और अपने भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, पत्नी हो तो सीता जैसी, सेवक हो तो इस बार ये जो मंदिर, राम मंदिर का जो पिछले 22 तारीख को उद्घाटन हुआ, इसका ये सीन चल रहा है अभी, तो ये भी आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दर्शकों को इसके जरिए। ठीक है, दर्शकों की संख्या में कमी आई है या बढ़े हैं? करीब करीब बढ़े हैं, संस्कार भी लोगों को मिले हैं। हम राम नाम की बुक, राम नाम लिखने के लिए बुक देते हैं 51,000 एक बुक में, वो हजारों की संख्या में वो लेने के लिए लोग आते हैं। तो आज की कितनी संख्या है यहाँ पर दर्शकों की? करीब 3,000-4,000 की संख्या है। ग्राउंड की कैपेसिटी क्या है? ग्राउंड की कैपेसिटी 4,000 की 5,000 की है। ठीक है, ठीक है।
बात करने के लिए। तो शो की शुरुआत में देखिए, आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर दर्शकों की संख्या बताया जा रहा है कि फुल कैपेसिटी में है, करीब 4000 के लोगों की कैपेसिटी है यहाँ पर ग्राउंड में और फुल ये बताया जा रहा है। और रामलीला मंथन के साथ ही आप देखें अयोध्या की वो तस्वीरें, जब राम की प्रतिष्ठा होती है। तो चलिए इन्हीं तस्वीरों से हम शो की शुरुआत कर रहे हैं और आइए सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं महंगाई की इस मार में टमाटर की कीमतों ने किस तरह से चर्चा बटोरी है। 80 से 100 रुपए प्रति किलो के भाव से टमाटर बिकना शुरू हो चुका है। त्योहार करीब है, सब्जी बेचने वालों का कहना है कि बाजार में टमाटर ही कम आ रहे हैं। बारिश के कारण किसानों ने टमाटर की ज्यादा खेती नहीं की है, इसलिए कीमत बढ़ी है। त्योहारों के बाद शायद इसमें कमी आए। देश भर में टमाटर के दाम किस तरह से बढ़ रहे हैं, उसका असर जो है मार्केट में जो है उसकी बिक्री पर पड़ रहा है। हम इस वक्त आरकेपुरम के एक सब्जी बाजार में हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है यहां सजा तो है लेकिन ख़रीदने वाला कोई नहीं है। हमारे साथ दुकानदार हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया आप ये बताएँ कि टमाटर के क्या भाव है अभी? टमाटर 100 से 120 रुपये किलो का रेट है। 120 रुपये किलो, हाँ। तो क्या अभी कस्टमर लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? कस्टमर बहुत कम ले रहा है टमाटर। कब से ये दाम बढ़े हुए हैं? ये एक हफ्ते से हो गया। अच्छा, अभी और बढ़ने की उम्मीद है? और बढ़ेगी, और बढ़ने की उम्मीद है अभी। डेली रेट बढ़ रहा है। क्या वजह, क्या मानते हैं आप? वजह ये कि बारिश से जो खेतियाँ खराब हुई है उससे फर्क पड़ता है टमाटरों में। टमाटर खेतियाँ खराब हो रही है, टमाटर खाली एक दो स्टेट का आ रहा है। हमारे साथ एक कस्टमर है जो टमाटर खरीद रहे हैं। भैया ये बताएं कि टमाटर का क्या रेट है और कैसा चल रहा है? 120 बता रहे हैं, मगर महंगाई के लिए हम परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। इतना महंगा खा नहीं सकते हैं, एक किलो की जगह एक टमाटर से काम चलाते हैं। क्या करें, इतना महंगा हो चुका। दुकानदार भी क्या कर सकते हैं, इनका पीछे से माल काफ़ी महंगा आ रहा है, वेस्टिंग हो रही है, इनको दिखा रहे हैं सड़ा निकल रहा, काफ़ी महंगा पड़ रहा है इनका टमाटर। ये लोग भी खुद परेशान है, ये भी कह रहे हैं घर चलाना भारी हम लोगों को है, कैसे टमाटर बेचेंगे, क्या लोग खिलाएंगे हम। बहुत महंगा है, ज़्यादा अधिक से अधिक ज़्यादा महंगा है। आपको लगता है कि सरकार को कुछ करना चाहिए इसके लिए? सरकार को हम तो यही कहते हैं कि भाई कम से कम ही रेट होना चाहिए जिसमें हम लोगों को बच्चे पाल सके, कि सैलरी इतनी है नहीं जिससे बच्चे पाल सके। 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो टमाटर कहाँ हम लोग ले सकते हैं 10,000 रुपये सैलरी में। ये चीज़ें इतनी महंगाई में हम लोग तक परेशान हैं, बच्चे फीस भी नहीं दे सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो टमाटर के बढ़ते दाम से परेशान है और उनका कहना है कि जो उनकी जो आय है वो उस तरह की नहीं है कि इतना महंगा टमाटर जो है वो खरीद पाए। दिल्ली के आरकेपुरम से अतुल रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और भाई ये बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े अपराध साइबर फ्रॉड की। मुंबई साइबर पुलिस ने एक दिन में हेल्पलाइन पर रिपोर्ट हुए सभी मामलों को देखें तो करीब 1 करोड़ से भी अधिक रुपए के गबन से पहले उसे फ्रीज कराया। इस साल देखें तो साइबर क्राइम की हेल्पलाइन पर जितने मामले आए उसमें 114 करोड़ रुपए गबन से पहले फ्रीज कराकर विक्टिम को लौटाया गया। दिखाते सुनील सिंह की रिपोर्ट। मुंबई साइबर पुलिस रविवार को 4 लोगों की 1 करोड़ से ज्यादा की रकम बचाने में कामयाब रही। इनमें से 3 डिजिटल अरेस्ट के पीड़ित थे। ये सब संभव हुआ बीकेसी साइबर पुलिस हेल्पलाइन की वजह से, जिसके वॉर रूम में 24 घंटे इसी तरह काम चलता रहता है। पुलिस के मुताबिक हेल्पलाइन नंबर 1930 पर रोज 3 से 4 हजार कॉल आते हैं। किसी में कोई शेयर ट्रेडिंग के नाम पर, किसी में सेना से जॉब ऑर्डर के नाम पर, तो कोई डिजिटल अरेस्ट के नाम पर अपनी मेहनत की कमाई गंवाने के बाद मदद की गुहार लेकर आता है। जो समय पर रिपोर्ट करते हैं उनके पैसे बचने की उम्मीद रहती है। तो पहले जो पहली बार में जो भेजा था वो कितना अमाउंट था? कल जो हमें मामला रिपोर्ट हुआ था उसमें विक्टिम को एक कॉल आया था उसके सेल नंबर पे कि आपका जो अकाउंट है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज हो चुका है और उसमें बहुत से फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन हमें दिख रहे हैं। और जो कॉलर था वो पुलिस ऑफिसर करके उनसे बात कर रहा था। कॉल होने के बाद तुरंत उसने उनको एक वीडियो कॉल किया जिसमें विक्टिम ने देखा कि जो कॉलर है वो पुलिस यूनिफॉर्म में बैठा है। उसके बाद इनिशियल बातचीत होने के बाद फिर और एक ऑफिसर को वो कॉल ट्रांसफ़र किया गया जिसमें और दूसरा ऑफिसर उनको इंटरोगेट कर रहा था वीडियो कॉल पर ही। उसके बाद विक्टिम को बोला गया कि अगर आपको इसमें से बाहर निकलना है तो आज आपको घर में ही रहना पड़ेगा, ये आप किसी से बात नहीं करेंगे इसके बारे में। सेकंड, आपका जो अरेस्ट वारंट है वो हम आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, ना तो आप महाराष्ट्र छोड़ सकते हो ना तो मुंबई छोड़ सकते हो, और आपका पासपोर्ट और ये भी आधार कार्ड भी रेड लिस्टेड हमने कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 80 साल के बुजुर्ग तकरीबन 5 दिन डरे से अपने घर में ही कैद रहे और उन्होंने ठग को 1 करोड़ 20 लाख रुपए भी दे दिए।
इस बीच उन्होंने वर्धमान ग्रुप के मालिक को इसी तरह ठगे जाने की खबर सुनी, तब उन्हें एहसास हुआ कि वो खुद भी ठगे गए हैं। बुजुर्ग की शिकायत पर पुलिस ने उनके तकरीबन 67 लाख रुपए फ्रीज करा लिए। लेकिन बड़ा सवाल है कि लोग साइबर ठगों से इतना डर क्यों जाते हैं? इसमें बहुत सी बार लोग डर जाते हैं, बहुत सी बार लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो अलग अलग अपने देश में एक्टिव है उनका नाम लिया जाता है, तो लोगों को जाहिर है कि किसी को भी इसमें पढ़ना नहीं होता, इस चीज़ में वो अटक जाए और उसको आगे सफ़र होना पड़े, इसको ये कोई भी नहीं चाहता, तो जाहिर है कि लोग उनकी शर्तें मान लेते हैं। इसमें कोई भी अनजान शख्स फ़ोन कर अगर आपको भय दिखाता है या फिर लालच देता है और उसके लिए उकसाता है तो समझ जाइए कि दाल में कहीं कुछ काला है, तो सावधान हो जाइए। और बहुत ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा ही वो प्रेशर डाल रहा हो, तो उसको पैसे देने के बजाय या उसे डरने के बजाय एक बार जो स्थानीय पुलिस थाना है वहाँ पर जरूर संपर्क कर लें ताकि आप ठगी से बच पाएं। मुंबई से कैमरामैन सचिन सावंत का सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। मछली को प्रोटीन और विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है, लेकिन जो इसका सेवन करते हैं उनके लिए अब चिंता भरी एक खबर है। मुंबई में हुए एक अध्ययन में पाया गया है कि मुंबई की जो मछलियां हैं उनकी आंत में माइक्रोप्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक के छोटे छोटे कण मिले हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक साइलेंट किलर है, इंसानी शरीर में चला जाए तो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का कारण बनते हैं। समुद्री प्रदूषण पर बॉम्बे हाईकोर्ट गंभीर है और इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। दिखाते हैं मुंबई से आपको ये रिपोर्ट। समंदर की मछलियां इंसानों के लिए हानिकारक हैं। इनकी आंतों में मिले छोटे छोटे प्लास्टिक के कण मछली खाने वालों में बड़ी बीमारी की वजह बन सकते हैं। समुद्री प्रदूषण पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन की इस अध्ययन रिपोर्ट से चिंतित समुद्री प्रदूषण पर गंभीर कोर्ट ने माना है कि माइक्रोप्लास्टिक मिला कचरा न सिर्फ समुद्री जीवों के लिए खतरनाक है बल्कि इंसानों को भी नुकसान पहुंचाएगा। कोर्ट ने कहा, माइक्रोप्लास्टिक नालों के रास्ते समंदर तक पहुंच रहा है, ये भयावह है। इसका असर मुंबई के सभी समुद्री किनारों पर पड़ेगा। अध्ययन के अनुसार मछलियों की आंतों में माइक्रोप्लास्टिक यानी कि पॉलिथिन के सूक्ष्म कण पाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और फिशरी इंस्टीट्यूट के सहयोग की जरूरत है। CIFE के अध्ययन में पाया गया है कि जब लोग मुंबई के तट से पकड़ी गई 100 ग्राम मछली खाते हैं तो वो एक तरह से माइक्रोप्लास्टिक के 80 कण खा रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की वजह बन सकते हैं। जैसे माइक्रोप्लास्टिक्स एंटर द ह्यूमन बॉडी तो उनसे हमें बहुत कैंसर्स का मेजर इशू है, केसेस ऑफ कैंसर का रीजन बढ़ गए, उसके वजह से और भी थायराइड के इशूज, स्किन इशूज, गट के इश्यूज, स्टमक के इश्यूज एंड मेंटल हेल्थ वगैरह पे भी इफ़ेक्ट आता है। तो ओवरऑल माइक्रोप्लास्टिक्स फ्रॉम द प्लास्टिक बॉटल्स योर बैग्स, प्लास्टिक बैग्स से दे एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड दे कॉज टोटल डिसरप्शन एंड टोटल हैवॉक इन द ह्यूमन बॉडी। समुद्री प्रदूषण पर वकील गॉडफ्रे पिमेंटा खुद 3 बार से ज्यादा याचिका दाखिल कर चुके हैं। वो दिखाते हैं कि किस तरह से खतरनाक केमिकल और प्लास्टिक का कचरा समंदर को प्रदूषित कर रहा है। ये जो मतलब कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है बहुत देर से लिया है, ये काफ़ी पहले इसका मतलब उन्हें दखल लेना चाहिए था। क्यों, इसका जो बोरा है हम 2015 से करते आए हैं, काफ़ी बार हमने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट को इसके बारे में लिखा है कि जो मुंबई की कोस्ट लाइन है वहाँ पे काफ़ी कुछ मात्रा में वाटर पोल्यूशन हो रहा है और प्लास्टिक्स का भी काफ़ी पोल्यूशन है और यहाँ पे कोई प्लास्टिक के ऊपर प्रतिबंध लाने के बावजूद भी इसका मतलब उपयोग हो रहा है, भारी मात्रा में हो रहा है और इसके ऊपर महानगर पालिका की ओर से या तो स्टेट गवर्नमेंट की कोई कार्रवाई की नहीं जाती। आप मानसून में स्पेशली देखोगे कि लाखों मतलब हजारों टन प्लास्टिक का कचरा आप मरीन ड्राइव पे देखते हो, तो इसका मतलब ये जो प्लास्टिक है समुंदर के अंदर वो मछलियाँ खाती है, उसका सेवन करती है और ये सेवन होने के बाद में जो इनके शरीर में जाते हैं वही हम लोग ह्यूमन बींग्स कंज्यूम कर लेते हैं। और ये जो प्लास्टिक है कार्सिनोजेनिक है, तो इसका मतलब आपके हेल्थ पे प्रभाव पड़ सकता है, आपको कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, तो इसके ऊपर कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने देर से सही लेकिन इसके ऊपर जो उनकी दखल लिया है तो आगे चल के इसके ऊपर कुछ तो मतलब सॉल्यूशन निकलेगा। मुंबई में कहीं भी आप समंदर किनारे पहुंचे तो ये तस्वीरें आम हैं, इस तरह से प्लास्टिक दिखना। अब मछली के सहारे जो इंसानी शरीर में इस तरह से प्लास्टिक के कण पहुंच रहे हैं
वो हमारी सेहत के लिए साइलेंट किलर का काम करते हैं। मुंबई के लिए कहा जाता है कि साल भर में 4,00,000 टन से ज़्यादा मछली का सेवन यहाँ के वासी करते हैं। वहीं 408 टन कचरा रोज़ाना मुंबई से निकलता है। 25% जो कचरा है वो सीधे झुग्गी झोपड़ियों से बताया जाता है कि नाले से होते हुए समंदर में पहुँच जाता है। अब इंसानी शरीर में प्लास्टिक है या नहीं इसका कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन ये जो माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में पहुँच रहे हैं ये समय के साथ घातक बीमारी का रूप लेते हैं और इसीलिए इसे हेल्थ एक्सपर्ट साइलेंट किलर बता रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। अमेरिका में चल रहे NCL 60 स्ट्राइक्स को सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान कह रहे हैं क्रिकेट को ग्लोबल बनाने के लिए ये बेस्ट फॉर्मेट है। किस तरह से इसमें रनों की बारिश हो रही है, विमल मोहन की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। डलास में खेले जा रहे सुपर स्पीड 60 स्ट्राइक्स टूर्नामेंट के 5वें मैच से पहले स्टार क्रिकेटर सुरेश रैना की अफगानी शरणार्थियों और बच्चों से ये दिल छू लेने वाली मुलाकात बड़े मायने रखती है। क्रिकेट को ग्लोबल और इंक्लूसिव बनाने की दिशा में इसे एक बड़ा पहल माना जा रहा है। न्यूयॉर्क के कप्तान सुरेश रैना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। उपुल थारंगा और मोहम्मद हफीज ने आक्रामक शुरुआत की। इस जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 30 गेंदों पर 74 रन जोड़ लिए। उपुल थारंगा ने 4 चौके और 2 छक्के लगाकर 36 रन बनाए। दूसरे सिरे पर पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद हफीज ने 300 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 5 चौके और 6 छक्के लगाकर 19 गेंदों पर 59 रन बनाए। रैना सिर्फ 4 रन बना सके, लेकिन न्यूयॉर्क ने डलास के सामने जीत के लिए 126 रनों का चैलेंजिंग टोटल रखा। Fantastic final over, just 3 runs coming off it. Lions robbed off the momentum, but they managed 125. 126 के लक्ष्य का पीछा करते हुए डलास ने पहले 2 ओवर में तेजी दिखाई। लेकिन कॉलिन मुनरो तबरेज शमसी को अपना विकेट दे बैठे। फिर भी शोएब मकसूद और इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर समित पटेल ने रनों की रफ्तार धीमी नहीं पड़ने दी। 5 ओवर से पहले डलास ने 70 रन जोड़ लिए। इस बीच दिनेश कार्तिक ने 13 रन बनाए, जबकि समित पटेल दूसरे सिरे पर 5 चौकों और 5 छक्कों के सहारे डलास को जीत की दहलीज तक ले आए। डलास ने 1 गेंद रहते ही न्यूयॉर्क को 6 विकेट से हरा दिया। समित पटेल मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए। इससे पहले डलास में ही खेले गए मैच में टेक्सास ग्लैडिएटर्स ने लॉस एंजलिस वेव्स को 4 विकेट से हरा दिया। लॉस एंजलिस वेव्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 126 रन बनाए। टिम डेविड ने 20 गेंदों पर नाबाद 51 रनों की पारी खेली, लेकिन उनकी ये पारी जीत के लिए नाकाफी साबित हुई। कप्तान शाहिद अफरीदी की टेक्सास टीम की ओर से डेविड मलान ने 16 गेंदों पर 38 और जेम्स फुलर ने 10 गेंदों पर नाबाद 39 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच जेम्स फुलर की तूफानी पारी के सहारे टेक्सास ने 7 गेंद रहते ही लॉस एंजलिस को 4 विकेट से हरा दिया। सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन भागती दौड़ती मुंबई में किस तरह से दर्शक स्थिर होकर रामलीला मंचन देख रहे हैं, इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।